चलिए आज हम लोग जानेंगे कि जो एसी फ्रिज में प्रयोग होने वाले टूल्स होते हैं वो कौन कौन से टूल्स होते हैं, किस टूल्स का क्या कार्य होता है। ढेर सारे टूल्स रखे हैं, देखिए ये जो सारे टूल्स हमने रखा है ना, एक एक टूल्स के कई प्रकार होते हैं, लेकिन वो प्रकार हम यहाँ पे नहीं रखें, यहाँ पे वो चीजें रखें जो बेस्ट है। तो आपको एक एक चीजों के बारे में समझाएंगे और आज के बाद किसी भी टूल्स के बारे में आपको डाउट नहीं बचेगा। क्लियर करते हैं, चलिए ये जो सारे आप टूल्स देख रहे हैं ना, ये एसी फ्रिज में प्रयोग होने वाले टूल्स रखे हुए हैं। और इसमें देखिए सबसे पहले अगर हम किसी एक तरफ से एक एक टूल्स के बारे में समझाना शुरू करें तो सबसे पहले देखिए बड़ी चीज साइड में दिख रही है ना, ये जो टूल्स है इसका नाम है सर्विस पंप, टाइगर कंपनी का है, अच्छा टूल्स है। और ये जो सर्विस पंप है इसको हम जेड पंप के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको प्रेशर पंप के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है कि ये काम ये करता है कि जब हम एसी की सर्विस करते हैं, सर्विस का मतलब धुलाई, तो ये प्रेशर के साथ पानी फेंकने का काम करता है। बस समझिए जैसे टुल्लू पंप मोटर होता है ना, वैसे एक मोटर है इसमें, लेकिन ये क्या करता है देखिए, एक साइड से पानी को खींचता है और एक साइड से पानी को फेंकता है। लेकिन जहां से खींचता है ना, ये किसी बाल्टी वगैरह में रख देते हैं, और जहां से फेंकता है बहुत अधिक प्रेशर के साथ फेंकता है। जैसे हम बाइक वाइक धुलवाने जाते हैं तो देखते हैं ना, बहुत प्रेशर से पानी मार रहे होते हैं, ये उस स्पीड से पानी को फेंकता है जिससे हमारी एसी के अंदर सर्विस कर पाते हैं, मतलब उसको हम धुलाई करते हैं, मतलब उसके पार्टों को साफ कर पाते हैं। अब देखिए यहां पे एक दूसरा पार्ट हमारा है, इसका नाम इसमें लिखा है कॉइल सेवर। ये कहीं जंग वगैरह लग जाती है वहां पे भी हम यूज करते हैं, बाकी एसी के कंडेंसर वगैरह पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये एक कंप्रेसर मोटर है, इस मोटर को शायद आप जानते होंगे, ये कंप्रेसर मोटर हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर बनाया हुआ है। देखिए कैसे ये वर्कशॉप कंप्रेसर हुआ, इसका मतलब समझिए, फ्रिज का कंप्रेसर है, दोनों सिरों पर एनआरवी वाल्व लगाया हुआ है, ये वाल्व देख रहे हैं ना, ये चूड़ीदार नट, दोनों सिरों पर एनआरवी वाल्व लगाया है जिससे ये वर्कशॉप कंप्रेसर बन जाता है, जिसके जरिए हम एसी या फ्रिज के अंदर प्रेशर भरते हैं, प्रेशर भर के उसका लीकेज चेक करते हैं, या फिर वैक्यूम करते हैं, वैक्यूम करने के बाद उसके अंदर की नमी को या गैस को बाहर निकालते हैं। ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है जो एक मिस्त्री के पास होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये देखिए, ये हमारा है एक रेफ्रिजरेंट सिलेंडर। रेफ्रिजरेंट सिलेंडर का मतलब देखिए ये है, इस तरह का हमारा सिलेंडर है, इसमें हम अपनी जरूरत के हिसाब से गैस भरवा सकते हैं। ये सिलेंडर आपको 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर के भी मिल जाते हैं मार्केट में। ये हमारे पास जो है 3 लीटर का है इस तरह का सिलेंडर, और ये जो ऊपर वाल्व लगा है ना, सिलेंडर वाल्व इसका नाम है, इसमें हम जो गैस भरवा के लाना चाहें ला सकते हैं। जैसे देखिए सरसों का तेल हम खरीदने मार्केट में जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हम अपनी सीसी लेके जाके भी मार्केट में भरवा के ले आते हैं, कुछ खुलता तेल बेचते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भरी भराई सीसी 25 रुपए 50 रुपए 100 रुपए की बेचते हैं। इसी प्रकार से ये सिलेंडर ऐसा है कि अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से गैस भरवा के लाना चाहते हैं तो इसमें लाइए। और दूसरी एक और बात स्पेशल इसकी ये है कि इसकी जो ये लोहे की बॉडी है ना, किनारे किनारे बहुत मोटी है, तो जिन गैसों का प्रेशर बहुत हाई होता है, बहुत अधिक होता है, वो इस पतले वाले कैन की बॉडी में नहीं रुक पाती, ये कैन फट सकता है, ये कैन विस्फोट कर सकता है, जिसकी वजह से इसी सिलेंडर में रखना पड़ेगा। जैसे R32 गैस है, R410 गैस है, उन सब गैस के लिए ये सिलेंडर हमारा बेस्ट होगा, जरूरी भी है। और जो R32 और 410 गैस है वो ऐसे कैन में मिलती भी नहीं है, इसी में आपको हर हाल में लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको दिखाते हैं, ये जो छोटे छोटे आपको कैन दिख रहे हैं, थोड़ा नजदीक से दिखाइए, ये जो छोटे छोटे कैन दिख रहे हैं, जैसे देखिए ये जो गैस है लिखा है R600A, ये जो R600A गैस है ये हमारे इन्वर्टर फ्रिज में प्रयोग होने वाली गैस है। और इसके अलावा देखेंगे जैसे, और ये हमारा गैस है देखिए R290, तो 290 हमारे वाटर कूलर में, कुछ डी फ्रीजरों में प्रयोग किया जाता है। देखिए कोई भी गैस हो ना, उसका रनिंग प्रेशर पता होना जरूरी है और उसी के हिसाब से गैस चार्ज करेंगे। इसके अलावा ये R134A गैस है, ये सबसे महत्वपूर्ण गैस है हमारे सभी फ्रिज में, वाटर कूलर में, कार एसी में, ये सभी में R134 गैस प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दिखाते हैं आपको, देखिए ये भी 600 गैस है। और इसके अलावा ये देखिए R22 फ्लोरोन 22 लिखा है ना, ये जो 22 गैस है ये हमारे नॉन इन्वर्टर विंडो एसी वगैरह में प्रयोग किया जाता है, बाकी जो इन्वर्टर एसी वगैरह है उसमें R32 या R410 प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे इस बड़े वाले सिलेंडर में आता है। अब इसके अलावा एक टूल हमारा ये देखेंगे, इसको हम बोलते हैं बेल्डिंग गन, और इसको बोलते हैं ब्यूटेन गैस, इसके अंदर होती है ब्यूटेन गैस।
ये क्या होता है, ये इसके अंदर एलपीजी गैस भी अगर भरी हो ना तो ये सेम काम करेगा, लेकिन होती कौन सी है, ब्यूटेन। वेल्डिंग करने के लिए काम में आता है ये जो गन है ना, ये कुल मिला के तीन टूल्स है। ये जो इसका नोब है ये अलग है, और ये वेल्डिंग गन या टॉर्च भी बोलते हैं ये अलग है, और ये ब्यूटेन गैस अलग है। तीनों मिलाकर हम वेल्डिंग करने का काम करते हैं। मतलब एसी फ्रिज की पाइपों को अगर वेल्डिंग करना हो, कहीं जोड़ना हो, तो हम इसी गन के द्वारा इसको जोड़ देते हैं। यहां पर देखेंगे इसको सेटिंग कर लेंगे और बैठा करके इसको लगा के इसमें हम जोड़ लेंगे। इसको हम साइड में अभी फिलहाल यहां पर रख देते हैं। और इसके अलावा आपको एक एक तरफ से दिखाते जाते हैं। देखिए ये एक जैकेट है, ये जो जैकेट है ये हमारे स्प्लिट एसी की सर्विसिंग के समय काम में आता है। जैकेट समझिए पहनने वाली नहीं है, ये स्प्लिट एसी की सर्विसिंग के समय काम में आता है। मतलब देखिए कितनी बड़ी साइज में है। ये क्या होता है कि जो हमारी स्प्लिट एसी होती है उसमें हम ऐसे पहना देते हैं, और इसके निचले सिरे में ये देखेंगे चैन जो है, इस चैन को हम खोलते हैं और यहां से धुलाई करते हैं, जिससे जो पानी होता है, ये पाइप लटकी हुई देख पा रहे हैं ये वाली जो पार्ट है, यहां से पानी नीचे गिरता है, और नीचे हम कोई बाल्टी वगैरह लगा करके उसमें कवर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कस्टमर है उसके घर की ना तो दीवार खराब होती है और ना ही उस घर में ज्यादा पानी आ पाता है, मतलब उसका कुछ भी नुकसान नहीं होता है। इस प्रकार से यह हमारी काम करती है जैकेट, जो कि एसी के सर्विसिंग के समय किया जाता है, स्प्लिट एसी में, इनडोर में। वो भी आउटडोर तो वैसे ही बाहर रहता है, हम बाहर ही सर्विस कर लेते हैं। और एक एक पार्टों की बात करें तो देखिए अगला टूल्स हमारा ये एक कटर है, और ये जो कटर है ये किस प्रकार से काम करता है, जैसे कोई चीज काटना हो, वैसे मोटर बाइंडिंग में भी यूज कर लेते हैं, एसी में भी कहीं अगर कोई चीज काटना हो तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। इसको देखिए हम बोलते हैं वायर स्टीपर, या फिर इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर कटर भी बोलते हैं। इंसुलेटर का मतलब तार के ऊपर जो रबड़ लगा होता है ना, उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं, और अगर उसे कहीं से छीलना हो तो हम इसी के द्वारा छीलते हैं, इसको वायर स्टीपर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए एक मिस्त्री के पास ये लीड भी होना जरूरी है, इसको हम पावर केबल के नाम से बोलते हैं। यहां पर देखिए थ्री पिन टॉप लगा हुआ है, और इसके वायर के दूसरे सिरे में दो थिम्बल लगाए गए। इसका ये मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रिक कंप्रेसर या रिले ओएलपी कुछ लगा के चेक करना है, ये दोनों थिम्बल वाले तार हमारे हैं, डायरेक्ट प्लग में लगाते हैं और वहां पे लगाते हैं, मोटर चालू हो जाता है। तो ऐसा मेन लीड का होना भी बहुत जरूरी है, जिससे हम कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट चेक कर सके आसानी से। अब इसके अलावा एक देखेंगे ये हमारा क्या है, इसको हम एडजस्टेबल रिंच बोलते हैं। एडजस्टेबल रिंच मतलब एक ऐसा रिंच जिसको हम अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सके, मतलब इसको हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है एडजस्टेबल रिंच। कुछ लोग इसको सलाई रिंच के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसको हम एडजस्टेबल मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से जिसे हम एडजस्ट कर सके वो एडजस्टेबल रिंच होता है। इसके अलावा यहां पर देखेंगे ये हमारा एक प्लायर है, ये जो प्लायर है ये हमारा है कॉम्बिनेशन प्लायर। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कई कामों का कंबाइंड रूप होता है। कई कामों का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे इसके द्वारा किसी तार को किसी को पकड़ना, या फिर यहां से किसी को दबाना, या इस जड़ से किसी को काटना, या ये बाहर की साइड से किसी तार वगैरह को काटना, मतलब कई कामों का कंबाइंड रूप होता है, इसलिए इस प्लायर को बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। मतलब कॉम्बिनेशन है, कई चीजों का कंबाइंड रूप है। इसके अलावा ये भी हमारा एक प्लायर है, इस प्लायर को हम बोलते हैं पिचिंग प्लायर। वैसे तो इसका यूज अब बंद हो गया है या बिल्कुल ना के बराबर होता है, लेकिन ये पिचिंग प्लायर है, किसी भी कॉपर की पाइप को पिंच करने मतलब दबाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जब ये किसी पाइप को पिंच करता है ना तो वहां से गैस भी क्रॉस ना कर पाए, इस हिसाब से पिंच करता है जबरदस्त तरीके से, और ये पाइप को कटने भी नहीं देता, क्योंकि इसका ये जो नोब बना हुआ है ना ये बिल्कुल गोल हुआ है, ये कभी कट नहीं सकता है, ये बहुत ही अच्छी प्रकार से काम करता है। तो इस तरह से ये वाला प्लायर हमारा हो गया पिचिंग प्लायर। और एक प्लायर और अभी हमारा है, ये जो प्लायर है नोज प्लायर। कहीं अंदर साइड में कोई नट लगा हो, कोई छोटी सी जगह हो, या काम करते हुए स्क्रू गिर गया हो, तो उसको पकड़ के निकालने के लिए ये हमारा नोज प्लायर प्रयोग किया जाता है। अब हम इसको भी रख देते हैं साइड में। अब देखिए ये एक पार्ट है, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एक स्प्रिंग है, है तो वैसे ये स्प्रिंग ही है, लेकिन इसको हम बोलते हैं पाइप मोल्डर या फिर पाइप बेंडर। मतलब कॉपर की पाइप को अच्छे तरीके से मोड़ने के लिए पाइप बेंडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर किसी कॉपर की पाइप को मोड़ना हो ना, ये साइज के हिसाब से आता है, जैसे ये हाफ साइज का है, ऐसे 1/4 साइज का भी आता है, 1/2 साइज का आता है, 3/8 साइज का आता है, जिस साइज की पाइप हो इसमें डाल करके और अपनी जरूरत के हिसाब से ऐसे बना के इसको गोल करके ऐसे मोड़ लेंगे और बाद में इसको बाहर निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा,
कि पाइप पिंच नहीं होगी। जैसे समझिए, ये जैसे एक पाइप है, अगर इसको डायरेक्ट मोड़ दिया जाए तो सीधा अगर गैस ब्लॉक हो सकती है ना, क्योंकि एसी फ्रिज के सिस्टम में गैस घूमती है ना, अगर गैस ब्लॉक हो जाएगी तो हमारा कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा, मतलब एसी या फ्रिज ठंडा ही नहीं करेगी। तो कापर की पाइप को व्यवस्थित तरीके से पाइप को मोड़ने के लिए ये हमारा पाइप बेंडर का प्रयोग किया जाता है। ये स्प्रिंग टाइप बेंडर है और ये भी वही सेम चीज है, ये भी पाइप बेंडर है, लेकिन ये कुछ दूसरे तरह का बनावट इसकी है। इसमें क्या होता है, पाइप के साइज के अनुसार पाइप को इसमें लगाते हैं और लगा करके इसको हम अपनी जरूरत के हिसाब से यहां पे जैसे लगाएंगे और ऐसे ऐसे करके इसको फिर मोड़ते हैं। यहां पे डिग्री भी दिखाता है कि हां कितने डिग्री पे ये मुड़ रहा है। यहां पर देखें लिखा है ना 0, 45, 90, 135, 180, तो किसी पाइप को 180 डिग्री तक ये मोड़ सकता है। तो ये भी हमारा एक पाइप बेंडर या फिर पाइप मोल्डर ही होता है, जो कि कापर की पाइप को मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार का है। अब देखिए, इसके अलावा यहां पर एक छोटा सा मोटर आपको दिख रहा है, बहुत ही कमाल का मोटर है, बहुत महत्वपूर्ण मोटर होता है। ये हमारे एसी में प्रयोग किया जाता है, विंडो में भी होता है, स्प्लिट में भी होता है, ये हमारे रूम कूलर में भी लगा होता है। एक इतना छोटा सा मोटर है ना, इसके अंदर दो तार निकले हैं ना, अगर इसको न्यूट्रल और फेस दोनों दिया जाए तो ये मोटर चलता है। और जानते हैं इतना छोटा सा मोटर होने के बाद भी ना 220 वोल्ट एसी सप्लाई से चलता है, पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी कि इसका जो आरपीएम होता है वो मात्र 4 से 6 होता है, मतलब अगर इसको डायरेक्ट लाइट में जोड़ दिया जाए तो चलेगा, और वो भी इतना धीरे धीरे चलेगा कि एक मिनट में मात्र 4 चक्कर घूमेगा। 4 से 6 चक्कर इसका आरपीएम होता है। आरपीएम का मतलब होता है राउंड प्रति मिनट, मतलब एक मिनट में कितना राउंड घूम सकता है, ये उसके लिए। अच्छा, ये स्विंग मोटर का कार्य क्या होता है, ये ग्रिल को ऊपर नीचे करता है। एसी में देखे होंगे ना, आगे एक पार्ट लगा होता है जिससे धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे नीचे आता है। वो जो ऊपर और नीचे होता है ना, उसको करने वाला काम यही वो मोटर होता है, जिसको हम स्विंग मोटर के नाम से जानते, जिसका आरपीएम मात्र 4 से 6 होता है, मतलब जो ग्रिल होती है वो एक मिनट में 4 से 6 बार ऊपर नीचे जाती आती है। ये हो गया हमारा स्विंग मोटर। इसके बाद ये सब देखिए हमारे हैं सिलेंडर वाल्व, थोड़ा नजदीक से दिखाइए, ये सब हमारे सिलेंडर वाल्व है। सिलेंडर वाल्व का प्रयोग होता है हमारे फ्रिज में। ये देखिए, जैसे ये कैन के ऊपर एक वाल्व लगा है ना, ये सिलेंडर वाल्व होता है। जैसे ये वाली गैस हमारी देख रहे हैं, ये ऊपर वाल्व लगा होता है ना, ये सिलेंडर वाल्व होता है। ये वाल्व वैसे मुख्य रूप से हमारे 2 प्रकार के होते हैं, और दोनों प्रकार में डिफरेंट सिर्फ इसकी चूड़ियों का, यहां पे देखेंगे ये थोड़ी पतली है और ये थोड़ा चौड़ा है, सिर्फ 2 ही प्रकार के आते हैं और ये दोनों में डिफरेंट है बस चूड़ियों का, कि ये मोटा है ये पतला है। और वैसे बोलते हैं कि जो मोटा होता है वो इसमें प्लेन वाले में लगता है, मतलब जिसके अंदर पिन नहीं होती है, और ये पतला वाला उसमें लगता है जिसके अंदर पिन होती है। ये सब सिलेंडर वाल्व है हमारे, जो सिलेंडर के ऊपर लगे होते हैं, जिससे गैस को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा ये देखिए हमारे एक चाबी दिख रही है ना, बहुत अच्छी चीज है, देखने में ऐसे लगेगा ना जैसे सिम निकालने के लिए एक टूल्स हो, मोबाइल के अंदर सिम लगाते हैं ना, उसको निकालने के लिए ऐसी पिन की तो जरूरत पड़ती है, और इससे भी बहुत अच्छा निकलता है। लेकिन ये है क्या, ये एसी फ्रिज के मिस्त्री के लिए जरूरत की चीज है। इसको बोलते हैं कैपिलरी गेज, कैपिलरी गेज, देखिए शायद इस पे लिखा भी है कैपिलरी गेज। और ये क्या करती है, इसके अंदर ये जो तिल्लियां लगी हुई है ना, ये थोड़ा मोटी पतली है, मतलब सबसे पहले जो है वो बहुत पतली है, उसके बाद उससे मोटी, उससे मोटी, उससे मोटी, उससे मोटी है, इस प्रकार से है। और इसके ऊपर कुछ नंबर लिखा है, देखिए यहां पर देखिए जैसे क्या लिखा है, 880 लिखा है ना, इसके ऊपर देखिए 7070। अच्छा, ये देखिए हमारा 64 का 64 का है, ये हमारा 60 का है, ये हमारा 55 का है, ऐसे ऐसे करके इस पर नंबर लिखा है। तो जो पिन जिस कैपिलरी ट्यूब में सही तरीके से चली जाए बराबर, वो समझिए कि वो कैपिलरी उतने नंबर की है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे हमारा 3-1 का कैपिलरी ट्यूब लगाना है किसी फ्रिज में, तो कैसे नापेंगे, इसको लगा के चेक करेंगे, अगर ये सेट बैठ जा रहा है तो समझिए कि वो कैपिलरी 3-1 की है। तो इस प्रकार से ये हो गई हमारी कैपिलरी गेज, जो कि कैपिलरी ट्यूब के व्यास को नापने का काम करती है, मतलब उसकी मोटाई को नापने का काम करती है। इसके अलावा देखिए यह एक पार्ट है जो में लगता है, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज रिले। ये एसी में प्रयोग किया जाता है तब जब उसके अंदर रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर लगते हैं, मतलब एसी की जो वायरिंग की जाती है वो सीएसआर वायरिंग की जाती है, तब ये वोल्टेज रिले का भी प्रयोग किया जाता है। वैसे इसका प्रयोग अब थोड़ा कम होता है। इसके अलावा थोड़ी कैपेसिटरों की बात करें तो यहां पर देखेंगे हमारे पास 3 कैपेसिटर हमने रख लिया,
अब देखिए ये जो कैपेसिटर है तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। पहले कैपेसिटर में पिनों की संख्या 2 है और दूसरे कैपेसिटर में पिनों की संख्या 3 है और तीसरे कैपेसिटर में से 2 तार निकले हुए हैं। देखिए ये जो पहला और दूसरा कैपेसिटर है पिन वाले जो कैपेसिटर होते हैं, वैसे बोले तो हम ऐसे शॉर्ट में बोल सकते हैं कि ये दोनों हमारे रनिंग कैपेसिटर है और जिसमें से तार निकला है वो स्टार्टिंग कैपेसिटर है। लेकिन ये जो हमारा देखिए 2 ही पिन का कैपेसिटर है, मतलब ये 1 कैपेसिटर है, लेकिन जिसमें 3 पिन का कैपेसिटर है यह 1 नहीं 2 कैपेसिटर है। अगर 2 कैपेसिटरों को आपस में जोड़ करके इसे बना दिया जाए ना और दोनों के एक एक तार को एक में जोड़ के कॉमन बना दिया जाए तो बचेगा टोटल 3 तार ना, ये उस प्रकार से हमारा कैपेसिटर है और ये अलग अलग पावर देता है। मतलब जैसे ये 45 MFD की भी पावर दे सकता है और 6 MFD की भी पावर देता है। मतलब इस पे लिखा होता है 45+6, मतलब ये 45 MFD का भी पावर देगा और 6 MFD का पावर देगा। मतलब ये हुआ कि 45 MFD से हम एसी के कंप्रेसर को चला सकते हैं और 6 MFD से हम एसी के फैन को चला सकते हैं, मतलब उसके पंखे को चला सकते हैं। तो ये हमारा कैपेसिटर और इस कैपेसिटर से सिर्फ कंप्रेसर मोटर को ही चला सकते हैं। और ये जो कैपेसिटर है ना इसमें देखेंगे 80 से 100 UF लिखा हुआ है ना, और ये जो कैपेसिटर देखेंगे 80 से 100 UF है, नजदीक से दिखाइए 80 से 100 UF है, और उसके नीचे लिखा है ना 230 से 275 वोल्ट एसी। इसका मतलब ये हुआ देखिए जिस कैपेसिटर पे 230, 240, 250, 260 वोल्ट लिखा हो वह स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है और जो कैपेसिटर पे 440 वोल्ट लिखा होता है वो रनिंग कैपेसिटर होता है। चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो इससे बात नहीं है, जो हमारे सीलिंग फैन में, फराटा फैन में, टेबल फैन में भी कैपेसिटर लगते हैं उस पर 440 वोल्ट लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि वो रनिंग कैपेसिटर होता है। अब देखिए ये कैपेसिटर हमारे ये सब हो गए, कैपेसिटर को हम रख देते हैं यहां पर साइड में। अब इसके अलावा एक चीज हमारे पास ये और है, इसको हम बोलते हैं फाइल। फाइल मतलब रेती, इसको हम गांव में बोलते हैं रेती और फाइल के नाम से जानते हैं। ये जो रेती होती है ना वैसे ये भी कई प्रकार की होती है, ये जो कट होते हैं ना इसके अंदर ये कट के आधार पे कई प्रकार के होते हैं, कुछ में साइड कट, कुछ में डबल कट, कुछ में स्ट्रेट कट, ऐसे कट के आधार पे अलग अलग भागों में बांटी जाती है, कहीं जंग वगैरह लग जाती है तो इसका जानते हैं, रगड़ के साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये हो गई हमारी फाइल मतलब रेती। अब इसके अलावा ये देखिए हमारा है स्क्रू ड्राइवर, इस प्रकार का आपको स्क्रू ड्राइवर रखने की जरूरत होगी टोटल 3, और सबसे चौथा वाला हमारा रहेगा ये, इसको हम गोल्ड गुट्टू स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं, मतलब सबसे छोटा होता है ना इसलिए ऐसा बोलते हैं। और ये बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां पर ये बड़ा स्क्रू ड्राइवर हमारा नहीं लग पाता है तो वहां पर इसी की जरूरत पड़ती है, और जहां ये समझ रहे ना जहां सुई की जरूरत हो वहां हमारे पास तलवार हो तो काम नहीं कर सकती, तो जहां पे इस छोटे वाले की जरूरत पड़ेगी वहां पे ये बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर हमारा काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको हर साइज का स्क्रू ड्राइवर रखना चाहिए। टोटल 3 इसमें होंगे, एक इससे बड़ा होगा और एक इससे छोटा होगा और एक ये, टोटल 4 स्क्रू ड्राइवर अगर आप सेट रखे हुए तो समझिए सभी काम हो जाएंगे। अब समझिए इसके अलावा ये देख रहे हैं ये क्या है, ये है हमारा थर्मल फ्यूज जो कि डबल डोर फ्रिज में प्रयोग होता है और बायोमेटल के साथ होता है। वैसे ये एसी का पार्ट है, टूल्स नहीं है ये, इसको हम साइड में रखते हैं। ये देखिए बायोमेटल, ये हीटर हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर जो कि डबल डोर फ्रिज में भी ये भी प्रयोग करता है, 220 वोल्ट 140 वाट का है, ये डबल डोर फ्रिज में प्रयोग होने वाला पार्ट है, टूल्स में नहीं है ये। इसके अलावा देखिए ये नोज प्लायर एक हमारा इधर है, एक चीज और यहां पर देखेंगे ये डिजिटल थर्मामीटर, ये जो थर्मामीटर होता है इसका कार्य होता है कि जो हमारे एसी से कूलिंग निकल रही है ये उसको बताता है कि कितना कूलिंग निकल रही है, आखिर जितना टेम्परेचर हम सेट कर रहे हैं या फिर 16 से नीचे कूलिंग दे रहा है कि नहीं। इसके अंदर एक डिस्प्ले होती है, इस डिस्प्ले के अंदर दिखाता है और ये वाला जो पार्ट होता है ये सेंस करता है, मतलब एवापोरेटर के आगे इसको निकालते हैं लगाते हैं और जहां से ठंडी हवा निकल रही होगी और यहां डिस्प्ले में दिखाएगा कि कितना टेम्परेचर हवा निकल रही, कितनी कूलिंग हवा निकल रही है, जिससे हमें यह पता चल पाएगा कि जो हमारी एसी है वो प्रॉपर ठंडा कर पा रही है कि नहीं, यानी कस्टमर को दिखा के उसको संतुष्ट करने के लिए हम इस टूल्स का प्रयोग करते हैं, बाकी खुद को भी चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए इस टूल्स का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये देखिए हमारे पास है ट्यूब कटर, ट्यूब कटर हमारे पास 2 साइज के हैं,
एक छोटा साइज है, एक बड़ा साइज है, और ये बड़ा साइज इसको हम नहीं बोल सकते, इससे भी बड़े साइज के ट्यूब कटर आते हैं, लेकिन हमारे एसी फ्रिज के सिस्टम में इतने बड़े ट्यूब कटर से सभी काम हो जाते हैं, इतने बड़े से। अब देखिए ये ट्यूब कटर क्या कार्य करता है, किसी भी कापर की पाइप को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ये पाइप है ना, अगर हम इसको किसी आरी ब्लेड से या किसी और तरीके से अगर काटे तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, लेकिन अगर हम इस ट्यूब कटर से इसको काटे तो बड़ी आसानी से ऐसे हम टाइट करते हैं, फिर थोड़ा घुमाते हैं, फिर टाइट करते हैं, फिर थोड़ा घुमाते हैं, इस तरह से करके 2-3 बार में हम इस पाइप को आसान तरीके से बिल्कुल गोल और मुलायम काटते हैं, जिससे पाइप ना तो दबती है, ना ही उसमें जैसे धारीदार या कुछ दिक्कत की होती है या टेढ़ा उड़ा कटती है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गोल और मुलायम अच्छे तरीके से कटती है। अब समझिए ये ट्यूब कटर को गोल घुमाना पड़ता है, जिसकी वजह से अगल बगल हमें जगह की जरूरत पड़ती है। तो कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे हमें अगल बगल जगह नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमें ये छोटा वाला ट्यूब कटर भी रखना पड़ता है, ताकि कम जगह में भी ये गोल में ऐसे घूम सकता है, इसलिए हमें छोटे वाले ट्यूब कटर की भी जरूरत पड़ती है। इसको हमने यहां से लगा लिया। अब इसके अलावा ये देखेंगे क्या है, ये हमारे डबल डोर फ्रिज का टाइमर है। वैसे ये हमारा टूल्स नहीं है, ये एसी, ये हमारे फ्रिज का पार्ट है जो कि डबल डोर में प्रयोग होने वाला टाइमर है, कूलिंग हीटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये टूल्स की चीज है, इसको हम बोलते हैं टेप प्लांट टेप, या खाली प्लांट टेप के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या होता है, जब कहीं पे लीकेज होने की संभावना, जैसे ये हमारा है ना ये एनआरवी वाल्व, इस पे अगर हम ऐसे लगाएं कहीं लीकेज होने की संभावना हो तो हम इस तरह से लगाएंगे इसको, और इस पे लगा करके क्या करेंगे, इस तरह से हम इस पे लपेट देंगे, और लपेटने की वजह से क्या होगा, अब अगर हम इस पे कुछ टाइट करेंगे तो टाइट करने की वजह से इसमें लीकेज नहीं होगा, गैस के लीक करने का चांस नहीं रहेगा। इसको हम बोलते हैं टेप प्लांट टेप, इस तरह का। तो इसकी भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यहां पर देखेंगे हमारे पास एक हैमर होना चाहिए, आप थोड़ा इससे हल्का हैमर रख सकते हैं, थोड़ा भारी हो गया है, आप थोड़ा इससे हल्का हैमर रखिएगा, लेकिन इससे भारी हैमर की भी जरूरत पड़ती है एसी के इंस्टॉलेशन के समय, दीवार वगैरह तोड़ने के समय, तो एक हैमर की जरूरत पड़ती है। और हैमर के अलावा देखेंगे, वैसे देखने में तो आपको ये भी हैमर लगेगा, लेकिन इसका नाम होता है मैलेट। मैलेट का मतलब होता है लकड़ी का हथौड़ा या फिर प्लास्टिक का हथौड़ा, मतलब ये ऐसी जगह पे ठोका जा सकता है ना जो कमजोर जगह हो, अगर लोहे वगैरह का है, मजबूत है, तब तो आप इससे ठोक सकते हैं, कमजोर जगह को इससे ठोकते हैं, बॉडी वगैरह पे मार देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, इससे मारेंगे तो बॉडी वगैरह टूट जाएगी, फट जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा। ये मैलेट होता है, प्लास्टिक का हथौड़ा होता है, जो कि नॉर्मल बॉडी में प्रयोग किया जाता है, एसी के वगैरह कोई बॉडी है टेढ़ी वगैरह हो गई, स्टील वाली है, तो इससे मार मार के उसको हम सीधा कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। अब इसके अलावा देखेंगे ये हमारे पास है फ्लेयर नट, इसको हम बोलते हैं फ्लेयर नट। ये फ्लेयर नट क्या होता है, देखिए एसी फ्रिज की पाइपों में इसको लगाया जाता है, इस प्रकार से लगा के टाइट किया जाता है। पीछे की साइड देखिए थोड़ा पतला होता है, आगे की साइड चौड़ा होता है, अंदर साइड में चूड़ियां बनी होती है, फ्लेयर नट लगाया जाता है। जैसे देखिए ये फ्लेयर नट साइज के हिसाब से आते हैं, जैसे ये बड़ी साइज का ना, इसको हम बोलेंगे ये हाफ साइज का 1/2, और ये वाला जो छोटा दिख रहा है ये 1/4 साइज का है, मतलब 1/4। अब देखिए जैसे इस एनआरवी पर इस फ्लेयर नट को लगाना है तो इस तरह से लगाएंगे और इसमें टाइट कर देंगे, तो होगा क्या, पीछे से एक पाइप लगी रहेगी, दो पाइपें आपस में चूड़ीदार नट की सहायता से जुड़ जाएंगे, इसको हम बोलते हैं फ्लेयर नट। फ्लेयर नट के अलावा एक चीज इसके अंदर और है, देखिए इसको हम बोलते हैं यूनियन। यूनियन क्या होता है, दो कापर की पाइप को आपस में जोड़ने के लिए, या एक रबड़ और एक कापर की पाइप को आपस में जोड़ने के लिए हम यूनियन का प्रयोग करते हैं। जैसे समझिए, जैसे यह एक पाइप है हमारी रबड़ की, चार्जिंग पाइप है, और अगर इसको हम इस यूनियन में एक साइड जोड़ लें, यूनियन का मतलब ही जानते हैं ना, ग्रुप यानी जोड़ना, एक साइड में अगर इसको हम जोड़ लें और दूसरी साइड में इसमें फ्लेयर नट में पाइप लगा के अगर इसको जोड़ लें तो एक साइड में कापर और एक साइड में रबड़ की पाइप जुड़ जाएगी। देखिए जब कापर और रबड़ की पाइप हो ना तो उसको तो हम वेल्डिंग तो कर नहीं सकते, तो उसको हमें इसी यूनियन की सहायता से ही जोड़ना पड़ेगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा यूनियन। यूनियन के अलावा देखिए हम एक तरफ से टूल्सों के पास से चल रहे हैं, यूनियन के अलावा देखिए ये क्या होता है हमारा, एक होता है लेबल मीटर या मेजरिंग मीटर के नाम से भी जानते हैं इसको। ये क्या होता है, देखिए जब हम एसी वगैरह की फिटिंग करते हैं ना तो उसको देखते हैं कि जो हमारी एसी है वो सीधे पोजिशन पर लगी है कि नहीं, तो इसके अंदर देखिए इस तरह का लेबल होता है ना, अभी देखिए ये बिल्कुल सीधे पोजिशन पर रखी हुई है। अब अगर साइड के सिरे को देखना है तो फिर हम इस वाले को देख लेते हैं,
तिरछे में देखना है तो फिर हम इस वाले को देख लेते हैं कि पूरा हमारा ये इस तरह से तिरछा हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हमारा होता है ये लेबल मीटर, जो कि एसी फ्रिज एसी के इंस्टॉलेशन में काम में आता है, किसी टीवी वगैरह के भी इंस्टॉलेशन में काम में आता है कि हमारी टीवी सीधे पोजिशन पर लग रही है कि नहीं। तो ये हो जाता है हमारा लेबल मीटर। अब इसके अलावा मल्टीमीटरों की बात कर लेते हैं। ये जो हमारा मल्टीमीटर है ना, इसको हम बोलते हैं डिजिटल क्लैंप मीटर, डिजिटल क्लैंप मीटर। वैसे देखिए ये दोनों चीज एक ही चीज है, डिजिटल क्लैंप मीटर है, बस ये थोड़ी छोटे साइज में है, ये थोड़ी बड़े सॉरी ये थोड़ी बड़े साइज में है और ये वाली छोटे साइज में है। बड़े में और छोटे में ऐसा नहीं कि कोई ऑप्शन का चेंजिंग हो या कुछ डिफरेंट हो, ऐसा नहीं, बल्कि ये जो छोटा है ना, इस बड़े वाले से 100 रुपये महंगा मिलता है ये छोटा वाला। लेकिन छोटे वाले की क्वालिटी ये होती है, पहली बात तो आपके बैग में जगह कम लेगा, दूसरी बात क्वांटिटी या जो भी क्वालिटी है, जो भी फंक्शन है इसके अंदर, ये उतने ही है जो इसके अंदर है, तो आपको छोटा वाला लेने में ज्यादा आसानी है। बड़ा है गिर जाता है जल्दी फूटता है, छोटा है थोड़ा देर तक बर्दाश्त भी कर लेता है ना, छोटे बच्चे गिर जाते हैं थोड़ी बर्दाश्त करते हैं ना, वैसे ये छोटा है जल्दी खराब नहीं होता है, बड़ा वाला थोड़ी जल्दी खराब होता है। दोनों डिजिटल क्लैंप मीटर, इसके द्वारा हम एसी फ्रिज के अंदर वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं, कितना एम्पियर हमारा उपकरण ले रहा है वो भी चेक कर लेते हैं कि जो हम चाहते हैं उससे ज्यादा एम्पियर तो नहीं ले रहा है, 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर क्या एम्पियर ले रहा है, तार के ऊपर से ही बताते हैं। क्लैंप का मतलब समझते हैं ना, जैसे ये तार गया है यहां से किसी एक में फंसाना है, दोनों में नहीं, या न्यूट्रल में या फेस में, तो इस तरह से ये डिस्प्ले में यहां पे दिखाता है कि कितना एम्पियर लाइट क्रॉस हो रही है, यानी जो हमारा उपकरण चल रहा है वो कितना एम्पियर लाइट ले रहा है। इसके अलावा एक चीज हमारे पास यहां पर देख सकते हैं, ये है सिंगल पोल का मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर ये होता है कि ये स्प्लिट एसी अगर मान लीजिए चला रहे हम, तो उसके पीसीबी पर कंप्रेसर मोटर का लोड नहीं पड़ने देता है, मतलब लाइट की डायरेक्ट सप्लाई इस कॉन्टेक्टर से होते हुए कंप्रेसर तक जाती है, पीसीबी ऑन ऑफ करती है तो सिर्फ इसको कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ करती है, मतलब जो कंप्रेसर चलेगा उसका लोड पीसीबी पर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से पीसीबी हमारा ज्यादा दिनों तक काम कर पाएगी। अब इसके अलावा ये देखिए, ये हमारा होता है स्वांगिंग टूल या स्विजिंग टूल के नाम से भी जानते हैं, ये कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर ये कॉपर की पाइप है और इसकी जो मोटाई है, अगर इसको बीच से काट दिया जाए और फिर इन दोनों को वेल्डिंग करने की जरूरत पड़े, तो क्या एक पाइप को दूसरे के अंदर डाल के हम जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते ना, तो किसी एक पाइप के व्यास को बढ़ाना पड़ेगा ना, और वो बढ़ाने के लिए इस स्वैंगिंग टूल का प्रयोग करते हैं। इस तरह से अगर हम इसमें लगाएंगे और इस हैमर के द्वारा अगर हम इसको ठोकेंगे तो क्या होगा, इसके भीतर का व्यास बढ़ेगा और फिर एक पाइप को दूसरे में डालेंगे और वेल्डिंग करके जोड़ देंगे। तो कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए इस स्वैंगिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। सुम्मी के जैसा होता है ना, गांव में हम लोग बोलते हैं इसको सुम्मी, वैसे स्वेजिंग टूल के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा एक टूल हमारा ये है एलन की सेट, ये एलन की है, एल के आकार के होते हैं, अंग्रेजी का यल लिखा हुआ ना, ये यल के आकार की होती है, अलग अलग साइजों में होती है। वैसे स्प्लिट एसी में हमारे 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर के एलन के प्रयोग किया जाता है ज्यादा से ज्यादा, बाकी या अंदर लगे नट को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्प्लिट एसी में आउटडोर में गैस को लॉक अनलॉक करने के लिए किया जाता है, वॉशिंग मशीन के मोटर में भी कहीं कहीं पर प्रयोग किया जाता है, इन सब जगहों पर एलन की का सेट भी आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा एक पार्ट हमारा टूल्स है, इसका नाम होता है कपलर। ये कपलर क्या होता है, दो कॉपर की पाइप को अस्थाई रूप से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अस्थाई का मतलब शुरू में हमें खाली 10 मिनट के लिए जोड़ के चेक करना है, उसके बाद अलग कर देना है, तो 10 मिनट के लिए हम इस टूल्स के जरिए इसको जोड़ सकते हैं और कॉपर की पाइप में इतना बढ़िया ये भी जोड़ेगा ना कि लीकेज नहीं होगा, मतलब बिना वेल्डिंग किए दो कॉपर की पाइप को आपस में जोड़ने के लिए इस कपलर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा कपलर। अब कपलर के बाद देखिए क्या हमारा है, ये भी मिस्त्री के पास ही होने की चीज है, ये हमारे स्प्लिट एसी के इंडोर का स्टैंड है, मतलब दीवार पे ऐसे लगाएंगे और स्प्लिट एसी हमारे इस पर टंग जाती है, तो ये स्प्लिट एसी के इंडोर का स्टैंड है, ये भी मिस्त्री के पास होने की ही चीज है, वैसे एसी में लगने वाली चीज है। ये हो गया। अब इसके अलावा एक पाउडर हमारा है, देखिए ये जो हमारा पाउडर है ना, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स पाउडर, यहां पर दिखाइए, ये हमारा एक पाउडर होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स पाउडर। ये क्या कार्य करता है, जब कहीं पर कॉपर की और लोहे की पाइप को आपस में वेल्डिंग करना हो ना, तो ये वेल्डिंग नहीं हो पाता हमारे ब्रिजिंग राड से, जिसके जरिए ये फ्लक्स पाउडर लगाना पड़ता है, मतलब
समझिए कि जैसे अगर एक हम कहीं सोल्डिंग करने जाते हैं तो सोल्डर के साथ हमें रांगा की भी तो जरूरत पड़ती है ना, और रांगा के साथ हमें एक पेस्ट की जरूरत पड़ती है जिसमें जब हम सोल्डर टच करवाते हैं तो उससे धुआं निकलता है तो वो जो पेस्ट होता है वो काम करता है ये पाउडर। अगर कापर और लोहे की पाइप को वेल्डिंग कर रहे हैं और ये पाउडर नहीं लगाएंगे तो जो ब्रिजिंग राड है वो गोल गोल बन के इधर उधर गिरने लगेगा, वो चिपकेगा नहीं इसमें। तो चिपकाने के लिए इस फ्लक्स पाउडर का प्रयोग किया जाता है जिसकी वजह से हमारी जो पाइपें हैं, जो ब्रिजिंग राड है, वो चिपकने लगता है। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स पाउडर। अब समझिए, ये इसके बारे में भी समझा दे, बहुत देर से लेके घूम रहे हैं। ये है एनआरवी वाल्व। NRV मतलब नॉन रिटर्न वाल्व, मतलब इसके अंदर होती है एक पिन। दिखाते हैं यहां पर, देखिए और भी एनआरवी वाल्व है। ये देखिए ऐसी पूरी तरह से, ये ऐसा है। अब ये खरीदते हैं तो मार्केट में ऐसा ही मिल जाता है, जब हम इसको खोलेंगे तो देखेंगे इस प्रकार से इसके अंदर पिन होती है। देखिए इसमें पिन नहीं है ना, जिसके अंदर पिन है वो दिखाते हैं आपको। देखिए इस एनआरवी वाल्व के अंदर एक पिन होती है, देख रहे हैं यहां बीच में पिन है ना, जैसे हमारे बाइक में हवा भरने वाले पॉइंट होता है उसके छुच्ची होती है ना, ऐसे ये पिन को अगर हम दबाएंगे तो देखिए ये दबती है। तो होता क्या है, ये चार्जिंग लाइन में एसी में लगाया जाता है, फ्रिज में लगाया जाता है, जब हम गैस चार्ज करते हैं तो ये एनआरवी पिन दबती है, और जब दबती है तो गैस इसमें क्रॉस होगी। लेकिन अगर जब हम इसके नट को खोल लेंगे, ये पिन ऐसे बाहर रहेगी तो इसमें से गैस भी क्रॉस नहीं हो पाएगी, इतना बढ़िया से रोक लेगा। मतलब नॉन रिटर्न वाल्व इसी एनआरवी वाल्व की वजह से आ जाने से इस पिचिंग प्लायर का यूज का जरूरत अब हमें नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एनआरवी वाल्व गैस को रोक लेता है, नहीं निकलने देता है। ये हो गया हमारा एनआरवी वाल्व। अब इसके अलावा और कुछ दिखाते हैं। देखिये ये हमारा एक मोटर है, इस मोटर को हम बोलते हैं वैक्यूम पंप मोटर। वैक्यूम पंप मोटर क्या कार्य करता है, ये जो हमारा मोटर होता है वैक्यूम पंप, इसका कार्य होता है एसी फ्रिज के अंदर हम वैक्यूम करते हैं, बड़ी तेज गति से ये क्या करता है, गैस यहां से खींचता है जब हम पाइप लगा देते हैं तो, और पूरे अंदर की नमी को भी सुखा देता है। इसके अंदर ये क्वालिटी है, देखिए अगर वर्कशॉप कंप्रेसर का हम यूज करके वैक्यूम कर रहे हैं, ये अंदर की हवा को निकाल सकता है लेकिन पाइप में लगी हुई नमी को नहीं सुखा सकता, लेकिन ये वैक्यूम पंप पाइप के अंदर की नमी को भी बिल्कुल सुखा के जीरो कर देता है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से वैक्यूम करता है और कम समय में करता है। स्पेशल बना ही है उसी लिए वैक्यूम पंप मोटर। अब समझिए यहां पर हमारे पास दो मल्टीमीटर है, आप किसी भी मल्टीमीटर को ले लीजिए, ये हमारा मल्टीमीटर है। इसका कार्य होता है किसी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी वगैरह चेक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास क्लैंप मीटर है तो इसकी जरूरत नहीं है वैसे हमारे सिस्टम में ज्यादा, और वैसे इलेक्ट्रॉनिक वाले इसका यूज ज्यादा करते हैं। ये डिजिटल मल्टीमीटर है, सस्ता भी मिल जाता है, 120-130 रुपए के आसपास मिल जाता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट होता है, तो ये कंटिन्यूटी वगैरह चेक करने के काम में आता है। ये हो गया हमारा मल्टीमीटर। इसके अलावा हमने इसको बता दिया, ये हमारा टाइमर है, और ये देखिए हमारे पास दो है, ये फ्लेयरिंग टूल है। ये देखिए ये दोनों के दोनों फ्लेयरिंग टूल है। कॉपर की पाइप में फ्लेयर बनाने के लिए, मतलब ये जो फ्लेयरिंग नट होता है, इस नट को पाइप में लगाने के लिए इसी टूल्स के जरिए बनाया जाता है। ये देखिए हमारे दूसरा तरीके का है, और इसका वाल्व देखिए ऊपर दो, ये दोनों मिलके फ्लेयरिंग टूल कहलाते हैं, जिसमें एक का नाम होता है ब्लॉक और एक का नाम होता है योक, और दोनों मिलकर कहलाते हैं फ्लॉक। जिसमें पाइप को लॉक किया जाता है उसे ब्लॉक कहते हैं, और जिसके द्वारा फ्लेयर बनाया जाता है उसे योक कहते हैं। दोनों मिला के ये हो जाता है हमारा फ्लेयरिंग टूल। इसके अलावा ये देखिए, ये हमारे पास कुछ फिल्टर रखे हुए हैं। ये जो फिल्टर है सादा फिल्टर है, मतलब सस्ता वाला फिल्टर है। अगर अलग अलग भी फिल्टर होते हैं ऐसे बजाने पर, उसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां होती हैं जो नमी को अवशोषित करने का कार्य करती हैं, तो ये सस्ता है, इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां नहीं है। तो ये हो गया हमारा फिल्टर। अब महत्वपूर्ण चीज, दो चीज और बची है, ये सबसे पहले समझ लीजिए गेज है। ये जो गेज है देखिए हमारा दो तरह का दिख रहा है ना, एक ब्लू कलर है एक रेड कलर है। जो ब्लू कलर है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड गेज, और जो रेड कलर है उसको हम बोलते हैं प्रेशर गेज। तो कंपाउंड गेज और ये प्रेशर, प्रेशर मतलब खतरे की बात है, मतलब रेड कलर में दिया हुआ है, और रेड कलर मतलब प्रेशर भरेंगे एसी फ्रिज के अंदर। अगर हम प्रेशर भर रहे हैं लीकेज वगैरह चेक करने के लिए तो इस रेड वाले गेज का यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रेशर निकाल रहे हैं तो इस कंपाउंड गेज का यूज करते हैं। लेकिन
एसी फ्रिज में गैस चार्ज करते समय भी कंपाउंड गेज ही यूज होता है। क्यों? क्योंकि वैक्यूम करने के तुरंत बाद हम गेज को बदल नहीं सकते, नहीं तो वैक्यूम खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कंपाउंड गेज यूज करते हैं। अगर अंतर की बात करें तो प्रेशर गेज में सुई केवल प्लस में जा सकती है, लेकिन कंपाउंड गेज में सुई माइनस में भी जाती है। और कंपाउंड गेज देखिए सिंगल भी आता है, ऐसे ब्लू कलर में दिख रहा है ना, प्रेशर गेज भी सिंगल में आता है। अगर इतने को बोले तो हम बोलेंगे कंपाउंड गेज, अगर हम इसको पूरे को बोले तो इसको हम बोलते हैं मैनिफोल्ड वाल्व या फिर डबल गेज ऐसे, क्योंकि प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज का मिश्रित रूप होता है। अब देखिए ये कंपाउंड गेज अगर आपके पास है तो आप इसके जरिए एसी फ्रिज में गैस चार्जिंग, प्रेशर, वैक्यूम सब कुछ इसके जरिए कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रेड वाला केवल आपके पास गेज हो तो सारे काम नहीं कर सकते, इसलिए ब्लू वाला गेज सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसको हम कंपाउंड गेज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये सब देखिए हमारे पास है रबड़ की चार्जिंग पाइपें, समझिए ये जो ब्लैक वाली पाइपें दिख रही हैं आपको ना, ये अलग से खरीदी हुई पाइपें हैं। और ये जो पीले कलर में, ये ब्लू कलर में, ये सब जो पाइपें दिख रही हैं ये मैनिफोल्ड गेज के साथ मिलता है, मतलब जो डबल वाला गेज है। अब देखिए ये रबड़ की पाइपें, ये जो ब्लैक वाली होती है ये मजबूत होती है, ये रबड़ की पाइप लगभग एक मीटर के आसपास होती है, इसमें दोनों साइड में चूड़ीदार नट लगे होते हैं। एक साइड में चूड़ीदार नट के अलावा इसके अंदर देखेंगे कि पिन भी होती है, और एक साइड में इसके अंदर कोई भी पिन नहीं होती है। देखेंगे इसके अंदर, देखिए एक साइड में एक छोटी सी पिन दिखाई दे रही है ना, और दूसरे में देखेंगे कि कोई भी पिन नहीं दिखाई दे रही है। जिसमें पिन होती है उसको उस तरफ लगाते हैं जिधर एनआरबी में ये पिन होता है, जब हम इसको टाइट करते हैं इसमें लगा करना, ये वही पिन होती है, जब हम टाइट करते हैं तो ये पिन जाके उसको दबाती है तब जाके इसमें से गैस क्रॉस होती है, जिससे हम एसी में फ्रिज में गैस चार्ज कर पाते हैं, प्रेशर चढ़ा पाते हैं, वैक्यूम कर पाते हैं, ये सारे काम कर पाते हैं। ये हमारी रबड़ की जो चार्जिंग पाइप है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बिना पाइप के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ना तो प्रेशर चढ़ा सकते, ना वैक्यूम कर सकते, ना गैस चार्ज कर सकते। हमने यहां पर कुछ बेसिक टूल्स के बारे में दिखाया, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसको अभी हमने नहीं दिखाया, कभी और मौका मिलेगा तो दिखाएंगे। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा दूसरा चैनल MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट को भी जाके देखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।